वेलकम बैक टू बीजापुर, एक तारीखी शहर में। दोस्तों, आज हम आए हैं मौसा बौड़ी देखने के लिए। मौसा बौड़ी गोल गुम्बद के बैक साइड में है और ये अली का बुर्ज जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसके बेहद करीब है। उस ज़माने में मेन चार पांच बौड़ियाँ थे, मतलब चार पांच प्रिंसिपल बौड़ियाँ थे, उनमें से ये एक भी है। इसका नाम भी उस बौड़ियों में लिया जाता है, जैसे कि ताज बौड़ी, चंदा बौड़ी, इब्राहिमपुर बौड़ी, ये मौसा बौड़ी और एक बौड़ी है। दोस्तों, इस बौड़ियों की तामीर इसलिए की जाती थी कि पुराने मोनूमेंट्स को परकुलेशन हो, यानी कि उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए इस बौड़ियों को बनाते थे। और इसका पानी उस दौर में यूज़ करने के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए भी इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता था। इसके दो तीन फायदे थे। हर सुल्तान ने अपने बीवियों के लिए उनके नाम से यहाँ बीजापुर में काफ़ी सारे बौड़ियों की तामीर की है। इसे मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। इस बौड़ी का कनेक्शन बेगम तालाब से भी होता है और इसका पानी गोल गुम्बद के जो पाउंड्स हैं दो, वहाँ पर भी ये पानी वहाँ तक पहुँचता है। ऐसा अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम किया गया है। इसको गोल गुम्बद की मजबूती के लिए बनाया गया था और जो भी यहाँ पे आसपास इलाकों में मॉन्यूमेंट्स है, इस पानी के परकुलेशन के वजह से मजबूत होते थे। क्योंकि उस ज़माने में जो मटेरियल मोर्टार की जगह पे, यानी कि सीमेंट पेस्ट के जगह पे बनाया जाता था, उसको गच कहते हैं। उस गच को चूना, लाइमस्टोन और राख, गुड़ और राख के जरिए से बनाया जाता था। इसको एनर्जी यानी कि उसकी ताकत बरकरार रखने के लिए उसको पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है, ताकि उस मॉन्यूमेंट की उम्र बढ़ सके। इसलिए ही जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं अब तक के बचे हुए हैं, उसका कारण यही है कि वो गच से बनाए गए हैं। गच एक ऐसा मटेरियल है जो पानी के वजह से रिक्रिएट होके एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि बरकरार उसकी एनर्जी हमेशा के लिए, जब तक पानी रहेगा वो मॉन्यूमेंट मजबूत रहेगा। जैसे कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के सामने जो भी बौड़ियां हैं आज के दौर में, वो सभी बंद होने के वजह से वहां पर क्रैक मौजूद हो रहे हैं। ऐसे ही एक जियोलॉजिस्ट ने पहले भी बताया था, ताकि बौड़ियां का मेन फंक्शन जो मॉन्यूमेंट्स है उसको मॉइस्चर परकुलेशन के लिए बनाया गया था, क्योंकि बीजापुर एक काफ़ी गर्म इलाके वाला शहर है। इसी वजह से उस ज़माने में ऐसे बौड़ियों की तामीर सवाब जारिया के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए और पुराने ओल्ड मॉन्यूमेंट के कंस्ट्रक्शन के मजबूती के लिए बनाया कर रहे थे। ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत बड़ी बौड़ी है जो गोल गुम्बद के पीछे है, इसको मौसा बौड़ी बोलते हैं। दोस्तों, ये अली बुर्ज के काफ़ी करीब है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो आगे बनाकर दिखा सकें। ये देखिए, एक पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर एक रैंप है। रैंप इसलिए बनाते थे कि पानी बाहर यूज़ करने के लिए उस ज़माने में बैलों का उपयोग किया जाता था, यानी कि इस्तेमाल किया जाता था। उस टरबाइन सिस्टम से पानी बाहर यहाँ के खेतियों में और जहाँ पर पानी पहुँचाना था वहाँ पर पहुँचा देते।